Hello everyone, welcome back to Messy Bun by the Basmita. Hope you all are doing good. Cleaning and organizing is not just a project, it's a lifestyle. I must say, ये choice है. और ये जो statement है, ये proof हो गया है corona के वजह से. As a homemaker, मैं try करती हूँ 2-3 दिन में एक बार जैसे भी कर घर का हर एक corner को मैं साफ कर पाऊँ. मगर एक जगह ऐसे भी है जिसको मैं लास्ट वो मोर देन 1 मंथ साफ नहीं की हूँ. और मैं अगर सच बोलूँ तो ये हर एक घर में होता है कि उसको ना हम बहुत नेगलेक्ट करते हैं. और वो कौन है? वो है हमारा फ्रिज. एंड आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा डीप क्लीनिंग ऑफ योर फ्रिज एंड फ्रीजर. I followed my heart and it led me into the fridge. This quote always dragged me to my childhood. History repeats itself. The same thing my son is doing these days because he has to stay at home all the day. Now it's time to clean up the hero of our kitchen. Let's get started. फ्रिज साफ करने से पहले जो एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी वो है सिलेक्शन ऑफ द डे. इसका मतलब ये है कि जिस दिन फ्रिज साफ करें उस दिन आपके फ्रिज में ज़्यादा कुछ फूड आइटम्स जैसे कि कुक्ड फूड, वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स ना हो. यू शुड डिस्कनेक्ट द फ्रिज बिफोर यू स्टार्ट. बेकिंग सोडा और डिश वॉश जेल को लेकर मैं रेडी हो गई फ्रिज की डीप क्लीन के लिए. अच्छी तरह साफ करने के लिए हमें चाहिए कॉटन क्लॉथ, एक स्पॉन्ज वाइप और एक टूथब्रश. एज आई यूज सेल्फ लाइनर मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा कुछ गंदा नहीं हुआ था. बट 2 महीना या फिर उससे ज़्यादा हो गया मैं साफ नहीं की थी. सो आई प्रिफर टू डीप क्लीन. Now it's time to touch every corner of the fridge to make it more and more clean. खाना रखते रखते क्या पता कहाँ से इतना डस्ट आ जाते हैं फ्रिज के अंदर. I really wonder. फ्रिज के बाद मैं वही सेम प्रोसेस फ्रीजर के लिए भी फॉलो कर रही हूँ. सेल्फ्स और कैबिनेट सूखने के बाद नाउ इट्स टाइम टू असेंबल इट टुगेदर.
लेट्स कम टू द आउटर पार्ट। मैं हफ्ते में जैसे भी करके एक दिन फ्रिज बाहर से साफ कर लेती हूँ। फ्रिज का ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा ग्रीसी रहता है क्योंकि ये ओपन रहता है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट। फ्रिज टॉप और बैक साइड को भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। बिफोर कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इनसाइड द फ्रिज मैं श्योर कर लेती हूँ कि ये सब ठीक ठाक हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है आई शुड चेक द एक्सपायरी डेट। इट्स एनफ क्लीन नाउ। आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। मैं नॉर्मली फ्रिज के अंदर स्लाइस लेमन रखती हूँ टू अवॉइड बैड ऑर्डर। आज मेरे पास लेमन नहीं था सो आई प्रीफर टू कीप सम बेकिंग सोडा इनसाइड द फ्रिज। थैंक यू सो मच टू माय सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लेट मी नो व्हाट यू आर थिंकिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप। आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उसके बाद आपको ऑल बेल बटन में टैप करना पड़ेगा सो दैट फ्यूचर में कुछ भी ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्ते।